आज यूथ कन्वेंशन जो हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे रामकृष्ण मिशन भारत सरकार और विवेकानंद स्टडी सेंटर के द्वारा जो आयोजित किया गया उसमें मुझे बुलाने के लिए मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जितने भी बच्चे यहाँ हैं। और कार्यक्रम का सबसे बोरिंग पार्ट हो गया ना, अब लोग लग रहा होगा इतना डांस हो रहा है या अभी फिर ज्ञान देने के लिए कोई पहुँच गया। और सुबह से लग रहा है, मैं प्रोग्राम का शीट देखा था तो सुबह से आप लोगों का कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा गर्मी भी है तो नींद भी आ रहा होगा, कोई बच्चे लोग भी एक दूसरे के साथ बात कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को लंबा लंबा भाषण और ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करूँगा, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ कितने स्कूल से लोग आए, आपके कौन कौन स्कूल से है, थोड़ा हाथ उठा के बताइए आप लोग कौन से स्कूल से हैं। गुड शेफर्ड और बाकी ओके एंड और ओके और है कोई बताइए। अच्छा अच्छा, यू आर द लवलेस्ट। एनीवे तो ऐसा है, जब हम युवा के बारे में बात करते हैं, यूथ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका छवि आता है बताइए आप लोग। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इज सिनोनिम टू द यूथ। वो अपने जीवन काल में कितने परिश्रम करके और कितना जो हमारे उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान लेके विदेश में जाके हमारा भारत का महानता और जो हिंदू धर्म को जो प्रचार किया है और खास करके जो यूथ को कैसा मोटिवेट किया आप सबको पता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे हमारा स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन को ही मनाया जाता है। तो हम जब स्वामी जी के बात करते हैं और यूथ के बात करेंगे तो वी कीप टॉकिंग अबाउट यू नो यूथ्स एंड हाउ टू एम्पावर यूथ्स। और हमारा देश आप सबको पता है कि दुनिया भर में सबसे युवा देश है। एंड व्हेन वी हैव सच अ बिग डिपॉजिटरी ऑफ द यूथ एनर्जी इन आवर कंट्री, we have the biggest potential to be the world leader. तो स्वामी जी यूथ को क्या बताया, यूथ को आत्मविश्वास। अभी एक बच्ची यहाँ पे बता रहा था बिलीव इन योर सेल्फ। स्वामी जी बोलते हैं कि इफ यू थिंक वीक यू आर वीक यू विल बी एंड यू थिंक स्ट्रांग स्ट्रांग यू विल बी। तो आप जो सोचोगे आप वही होगा। आत्मविश्वास की बात करें तब जी, ये आत्मविश्वास की बात कर रहा है उसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जो जंगल में सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है बताइए। जिराफ, राइट। और सबसे ताकतवर कौन सा होता है, टाइगर, एलिफेंट, गलत आपका एलिफेंट। और सबसे दिमाग से तेज कौन होता है, लोमड़ी होता है ना। तो ये एक हाथी इतना ताकतवर है, जिराफ इतना ऊंचा है और सबसे फुर्तीला कौन सा होता है, चीता है ना, द मोस्ट एजाइल एनिमल। लेकिन जंगल का राजा कौन है, राइट। तो ना लायन ना ऊंचा लंबा है, ना ताकत है, ना उसका दिमाग इतना तेज है, ना फुर्तीला है, तो क्यों राजा हो गया जंगल का बताओ। भी मैंने अभी थोड़ा देर पहले स्वामी जी का कुछ बात आप लोगों को बताया, आत्मविश्वास है ना, लायन को विश्वास है कि मैं राजा हूं इसलिए वो जंगल का राजा है। तो आपको अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। दस वर्ष स्वामी जी मैसेज टू द यूथ। और स्वामी जी के बारे जब हम लोग बात करते हैं तो स्वामी जी ने क्या कहा, यहाँ लिखा है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट कि द गोल इज रीच्ड। उठो जागो, रुको मत तब तक जब तक लक्ष्य को प्राप्त न हो। उसी लाइन को टो करते हुए मार्टिन लूथर जूनियर इज सेड इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, डू व्हाटएवर कीप मूविंग। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, तभी जाके आपको गोल हासिल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत आपके लिए मायने रखता है।
और आप ऐसे बच्चे जब घरों में रहता है तो आपके बुजुर्ग का बात को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दे हैव स्पेंड डेकेड्स एंड डेकेड्स, यू नो, दे हैव अर्न सो मच विजडम थ्रू देयर ओन प्रैक्टिकल. ही माइट नॉट बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन लाइक यू, बिकॉज आजकल हम लोगों को रामकृष्ण मिशन जैसे बताया स्वामी जी 1960 को स्कूल आया आप हमें, तो दे वर द फर्स्ट बैच हु गॉट एजुकेटेड इन आवर प्लेस. इट्स वेरी रीसेंट, एज रीसेंट एज 1960. तो हमारे बहुत सारे लोगों का पेरेंट्स अभी भी होगा जो लोग अनएजुकेटेड हो. तो आप आज थोड़ा पढ़ लिख के आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा इग्नोर करोगे, नेग्लेक्ट करेंगे कि अरे इसको तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन बुजुर्ग के जो बातों में बहुत विजडम होता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं बुजुर्ग की बातों की बात कर रहा हूँ तो आपको तो पता होगा रेड इंडियन होता है जो अमेरिका में एक नेटिव, उसका एक कहानी है. एक बुजुर्ग अपना ग्रैंडसन को, मतलब नॉर्मली व्हेन यू आर एट होम एट लेजर दे ट्राई टू इम्पार्ट विजडम टू देयर ग्रैंडचिल्ड्रन, इससे हमारे दिमाग में देयर ऑलवेज अ टू गोल्स, यू नो, कंस्टेंटली फाइटिंग विद ईच अदर. एक है ग्रीड, लाई, हेट्रेड, जितना भी गलत चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक गोल, गोल मतलब होता है भीड़िया है ना, और दूसरा है जो प्यार, मोहब्बत, यू नो, एम्पैथी, जितना भी अच्छा गुण को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में कांस्टेंट फाइट होता रहता है. तो ग्रैंडसन पूछा कि आखिर कौन जीतता है, देन ही सेड माय सन द होम यू फीड. तो अब अपने आप में आप गलत चीज को पनपने देना नहीं चाहिए. ये विजडम आप किताबों में पढ़ने से नहीं आता है, ये आपका जो एक्सपीरियंस over the time what you learn from the practical problems, you know, they have seen in the world. तो बहुत सारा चीजें हमारे जो युवा को जानना चाहिए, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, इस दुनिया के प्रति, बिकॉज nowadays we are talking about global village. हम यहीं पे अपना ट्राइब, अपना कल्चर, अपना रिलीजन को लेके ही लगते रहता है. पर we forgot with the advent of the digital technology, the world has shrunk to a size of an orange. आपके हाथ में दुनिया है, यहाँ बैठे बैठे आप दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप सबको पता चलेगा. You have a smartphone, everyone has got a smartphone. तो ऐसा वक्त में जब ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ रहा है, आप छोटा छोटा बातों को लेकर मतभेद करोगे, एक दूसरे के साथ झगड़ोगे, मैं ये ट्राइब से हूँ, मैं वो ट्राइब से हूँ, मैं वो रीजन का हूँ, ये रीजन का हूँ. वी ऑल नीड टू कम टूगेदर, स्पेशली फॉर द यूथ आई एम टॉकिंग अबाउट. हम कैसे आपके जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है उसको भी किस तरीके से एड्रेस करा जाए, ये आपको बहुत जरूरी है. जैसे बच्ची ने यहाँ पे स्पीच में ग्लोबल वार्मिंग की बात करके गया था. अब ग्लोबल वार्मिंग वी कीप लिसनिंग ना, सुनता रहता हूँ आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, है ना, आप लोगों को पढ़ाता भी होगा ग्लोबल वार्मिंग से हमें ये होने वाला है, वो होने वाला है ना. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट एंड क्लियर डेंजर विच वी डोंट रियलाइज क्या होने वाला हमारे देश, हमारे इस पृथ्वी को. अजीब तरीके का बिहेवियर, द एनवायरमेंट, तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए, इसको मिटिगेशन क्या करना चाहिए, आप लोगों का बोर्ड रोल है. तो उसी में कोई किसी ने बोला है, आर वी गोइंग टू रियलाइज दैट वी कांट ईट द मनी अंटिल एंड अनलेस द लास्ट रिवर इज पॉइजन, until and unless the last tree is fell and until and unless the last fish has been caught. मतलब क्या है, अब दुनिया में सारा कुछ खत्म हो गया, आप ढेर सारा पैसे लेके करोगे क्या. इट्स हाई टाइम, यू नो, हमको सोचना है कि हमको एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए. आप लोग तो पढ़ता होगा इकोसिस्टम के बारे में, है ना, क्लास में साइंस में पढ़ता होगा कि किसका क्या रोल है. एक चेन है, फूड साइकिल है, हर किसी छोटे से छोटे कीड़ा मकोड़ा से लेके हर बड़े से बड़े जानवर और हर हमें इंसान का अपना अपना एक दायित्व है, अपना अपना एक रोल है. वी हैव अ एवरी लिटिल क्रिएचर एंड प्लांट हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. अगर एक भी डिस्टर्ब हो गया तो इट विल अफेक्ट द एंटायर प्लैनेट. तो ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है.
तब उन्होंने एक चिड़िया मार दिया तो क्या हुआ, एक टाइगर को मार दिया तो क्या हुआ, एक सांप को मार दिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। उसको लेके हिस होने में दलाई लामा ने क्या बताया, आप यहाँ बैठोगे, अमेरिका तो चला गया था चांद में, अब जब बचपन में सुनता था न्यूज में पढ़ता था कि नील आर्मस्ट्रांग हैज लैंडेड इन मून, अब तब से इंतजार कर रहा है कि आदमी जाके कब बसेगा वहां, बस पाया कि नहीं पाया, अब बताओ, डिड मैन गो एंड सेटल इन मून, आपको बताइए बसा कि नहीं बसा, नहीं बस पाया है ना। तो हिस होलीनेस ने यही बोला कि देखो मून आप यहां रात को देखोगे इतना सुंदर लगता है, सो ब्यूटिफुल, and it has been the inspiration for many poets, many writers, you know, to write about the beauty and referring the moon to a beautiful thing. Lekin aadmi chaha ke bhi wahan bas nahi paaya. So ultimately, this blue planet is our only hope. Jab this blue planet is our only hope, agar bolta hai, to hamara dayitva kya hai ki hum isko kis tarike se bachaye? For the greed, if we keep on doing, you know, rampant destruction to the Mother Earth, I think it's not too late then we will face the disaster. Bhagwan Buddha ne bola, man has got enough for need but not enough for greed. So anything extra is a poison. And aapko jitna chahiye, utna lena chahiye. Usse thora bhi jyada hai, wo zeher ho jata hai. Ye hum log realize nahi karte. आपको इवन इन द बाइबल इज रिटन ना ग्लटनी इज अ सिन, आपको जितना खाना है, जितना आपको पेट भरता है उससे ज्यादा लालच से आप खाओगे वो भी एक पाप है। तो स्वामी जी के बारे में हम लोग जब यहाँ पे जब हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यूथ को मोटिवेट किया है और क्यों हमारा आज का जो यूथ है उसको एम्पावर करना चाहिए, स्वामी जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, हर किसी में काबिलियत है, पोटेंशियल है, लेकिन उसको किस तरीके से पॉलिश करके उसको उभार के निकालना है एंड निखारना कैसा है, तो दैट इज एजुकेशन है। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। आपको माँ पिताजी बोलता है ना आपको स्कूल जाना है, छोटे समय हम लोग जाने का मन नहीं करता था, पिटाई करता था, हमने सोचा ये क्या किताब पढ़ने के लिए आपको इतना मार मार के भेज रहा है। नाउ वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट्स नाउ, जब आपको जब एजुकेशन के बात करते हैं तो स्वामी जी बोलता है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। और हिस होलीनेस ने भी बोला व्हेन यू एजुकेट आवर यूथ वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू एजुकेट द हार्ट, यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारा युवा को किस तरीके से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। मैं मजाक मजाक में कई स्पीच में बोला कि डंडे मार के सर्कस में भी हाथी को साइकिल चलाना सीख लेता है ना, आप देखा होगा ना भालू भी साइकिल चलाता है और बंदर भी साइकिल चलाता है, तो देयर इज नॉट एजुकेशन, देयर इज लाइक यू नो जस्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करके कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके साथ में वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, हमारे यूथ आगे जाके कैसे हमारा देश को किस तरीके से आगे लेके जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वामी जी के बारे में मैं जैसे स्वामी जी बता रहा था, मैं भी हमारा स्कूल आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम आर्टिमिशन स्कूल आलो, तो दोज डेज I used to come from a place, I come from Mechuka, a lot of you must have heard about that place, or kafi ko malum bhi nahi hota hua, to us samay koi gaari ka rasta nahi hota tha, hum 7 days we used to walk through the mountains to come to school, barish, kabhi barf bhi pad jata tha, main chota bachcha tha jab class, shayad main class प्रेपरेटरी होता है जो प्री स्कूल होता है, तो एक बार वेकेशन में गया हम लोग तो वी वर नॉट अवेयर ऑफ द हार्डेस्ट जर्नी, तो ऐसा शॉर्ट्स पहन के बर्फ पर गया, रो रो के जा रहा, तो ऐसा करके हम भी पढ़ाई किया तो बहुत कोसता था पेरेंट्स को, कहाँ इतना दूर जंगल जंगल से मुझे 7-7 दिन 8-8 दिन, इट्स अ टॉर्चर, वो मेरे साथ कुछ शोषण हो रहा है मैं ये सोचता था, बट व्हेन आई रियलाइज नाउ दे हैड अ विजन फॉर मी
लाइकवाइज एवरी पेरेंट, आपके हर माँ पिता जी आपको जो पढ़ा रहा है इतना मेहनत करके, स्टूडेंट्स का भी प्रोग्राम है, वेरी पुअर फैमिली बेचारा दिहाड़ी करके आपको पढ़ा रहा है, there might be a lot of privileged boy also here, privileged children. But at the end of the day, आपका माँ बाप आपको इतना मेहनत से पढ़ा रहा है तो यू मस्ट नॉट लेट डाउन योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी, योर कंट्री, क्योंकि आप भविष्य हैं. स्वामी जी कहते हैं ना, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. तो आप भविष्य हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप भविष्य में कैसे अपना देश को कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली. इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूथ एनर्जी की बात जब करते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि तो यूथ एनर्जी इज लाइक न्यूक्लियर एनर्जी. इफ यू यूज द यूथ एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, कैन क्रिएट वंडर. आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो फिर इट विल बी अ डिजास्टर. तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना आपका पेरेंट्स का और आपका सोसाइटी का है. अंतिम लगाना वी ऑल मार्च टूवर्ड्स द सेम गोल. फिर हमारे पेरेंट्स का जो ख्वाब है, द ड्रीम विच दे हैव फॉर यू, तो एक हमारा जो देश का जो सपना है अपने यूथ को बिखर के गिर जाएगा. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके शोल्डर पे है. हमारा समय तो अभी वी आर लाइक यू नो सेटिंग सन, यू आर द राइजिंग सन. तो जो राइजिंग सन है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. हमने कुछ दे पाया नहीं पाया, लेकिन आपको हम भाषण जरूर दे सकते हैं बिकॉज ऑफ माई यू नो 4 or 5 decades ऑफ एक्सपीरियंस. तो आप ये नहीं सोचना कि यार कुछ तो किया नहीं है अपने जमाने में, यहाँ आके हम लोगों को बड़ा बड़ा लेक्चर जा रहा है. लाइक आई सेड बिफोर, जो बुजुर्ग लोग का विजडम वो हमेशा आप बहुत ध्यान से, जब आप गांव में जाते हो छुट्टी में, लॉट यू मस्ट बी इन द हॉस्टल, तब जब घर लौटो के आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते हो, आपके पिताजी माँ के साथ बैठते हो, जब कुछ बोलते हैं ना, यू शुड लिसन टू देम केयरफुली, द लॉट ऑफ विजडम ही देने के. आपको कोई पेवल्स के थ्रू बताएगा, आपको कुछ पोएम के थ्रू बताएगा, आपको कुछ कहानी के थ्रू बताएगा, आपको कभी डांट के भी बताएगा, प्यार से भी बताएगा. हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विजडम ज्ञान छुपा हुआ. तो इसलिए मेरा तरफ से यही है कि मैं ज़्यादा समय नहीं देते हुए दिल दिल में गाली दे रहा हूँ, बहुत लेक्चर मारना यहाँ पे आके, हम लोग को गर्मी भी लग रहा है, सुबह से यहीं पका के रखा है, ये यूथ कन्वेंशन क्या है, ये अमृत का महोत्सव क्या है ना. लेकिन जब भारत सरकार की तरफ से, आरके मिशन की तरफ से और हमारा भी विवेकानंद स्टडी सर्कल की तरफ से इतना मेहनत से या कुछ कर रहा है, तो उसका कुछ मायने जरूर होगा. आप लोगों को खास करके यहाँ बुलाया है तो इसका भी काफ़ी मायने हैं. सो दैट आप यहाँ 10 बातें हुआ है उसमें से एक बात यू टेक होम, आई थिंक दैट वुड बी अ बिग सक्सेस ऑफ द आरके मिशन एंड विवेकानंद स्टडी सर्कल, है ना. तो ये है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 10 से 10 को आप अपने जहन में उतारने की कोशिश करो, लेकिन अगर एक भी इफ यू टेक इट होम, आई थिंक दिस कन्वेंशन इज अ सक्सेस. तो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव में आप लोगों को मैं मुबारकबाद के साथ मैं फिर से यही बताऊंगा कि यू द यूथ हैज अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर स्टेट, टुवर्ड्स योर कंट्री एंड टू दिस यूनिवर्स एज अ होम. ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, इसको मेयर भाषण के तौर पे लेना नहीं चाहिए. मैं तो आप लोगों को बताऊंगा बिकॉज टाइम एंड टाइम वेट होना, ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा, पीछे मुड़ के देखोगे बस, सिर्फ आपको यू कैन जस्ट ओनली रिकॉल द रेमिनिसेंस बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, द फ्लोइंग रिवर एंड द टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन. सही वक्त पे आपको अपना काम करना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द डे I want to again tell you one thing, be a good citizen, be a good son, be a good daughter, and be a responsible human being, you know, for this world. Tabhi jaake aap ek success hoga. Success doesn't mean that you earn a lot of money. Success only doesn't mean that you earn a lot of fame. Success is what you have positively contributed to your society, to the country. है ना. तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर दोबारा समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यू हैव कॉल्ड मी फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द यूथ. तो इट्स ऑलवेज अ यू नो गुड नाइस फीलिंग टू इंटरेक्ट विद द यूथ, क्योंकि बहुत कुछ बोलने को होता है लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, फिर सोने लग जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना आप लोग.
नींद आएगा आपको। तो इतना में ही मैं बात समाप्त करता हूँ और दोबारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।